छत टपकती है उसकी, लेकिन फिर भी मांगता है बारिश की दुआएं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किसानों की। वो किसान जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर सहित देश के अन्य राज्यों में प्रदर्शन कर रहा है। किसान अपनी मांगों के लिए लाठियां खा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, और तो और इस कड़ाके की ठंड में किसानों पर वाटर कैनन यानी ठंडे पानी की बौछार की जा रही है। वैसे आप यह कह सकते हैं ये तो पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान हैं, लेकिन किसान तो किसान है चाहे किसी भी इलाके के हो। लेकिन फिर भी आपको ये लगता हो कि बिहार के किसानों को किसी बात की समस्या नहीं है, तो हम आपके इस भ्रम को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको ले चलते हैं एक ऐसे जिले में जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिले के किसानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। दरअसल यहां हर साल 12 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की उपज होती है, लेकिन प्रशासन महज 2,20,000 मीट्रिक टन धान ही किसानों से खरीद पाती है, यानी कि 10 लाख मीट्रिक टन धान का कोई खरीदार नहीं है। ऐसे में बाकी के बचे फसलों को बेचने के लिए किसानों को दर दर भटकना पड़ता है। धान बोझा गईल बा, एकरा बाद में खरिहान में गईल, एकरा बाद में दवाई आ लेबे वाला कोई होइए नहीं के, धान के खरीदे वाला कोई होइए नहीं के। अब हमनी के तो समस्या बा कि जो लागत आज लगौले बन जे तौनो नहीं के आवत। अब तो आत्महत्या करे के ना पड़ी कि मैंने सब बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे के बा। इतना ही नहीं, किसानों के तय रेट से भी कम का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 2,20,000 मीट्रिक टन धान की खरीदारी के लिए 1,868 रुपए प्रति क्विंटल की दर तय की है। विभाग के स्तर से भी जो नोटिफिकेशन निकलना है वो निकल गया है। टास्क फोर्स की बैठक है और अभी क्योंकि जो भी धान कट रहा है उसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में भी मॉइस्चर ज़्यादा है, 17% मॉइस्चर का नॉर्म्स है। जैसे उस नॉर्म्स का जो भी धान आएगा उसको जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी की जाएगी। लेकिन किसानों को 900 से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल ही भुगतान किया। कोई धान को कुछ निहार लिमराल नहीं है और किसान का खेती गेहूँ वगैरह होना है, बोना है, ना कोई ले रहा है, कैसे गेहूँ का खेती होगा? औने पौने धान बिक कर दाम पर आदमी खेती को संभाल रहा है। सरकार का क्या रुख है, क्या कर रही है किसानों के पीछे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मोदी सरकार को ना, ऐसा सरकार तो पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। तो ऐसे में यह कहना कि हमारे राज्य के किसानों को कोई तकलीफ नहीं है यह सरासर गलत है। हाँ, ये बात अलग है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार की रोजी रोटी की चिंता रहती है।